हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निशा इजी रेसिपी। आज हम सबको पसंद आने वाली गुलाब जामुन बनाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और ये बिल्कुल होटल जैसे ही लगेगी। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम पहले चाशनी बना लेंगे। यहाँ 500 ग्राम चीनी लेंगे और ये 1 से 2 कप है और इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे। इसमें थोड़े से केसर के धागे डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। 2 इलायची और गैस को ऑन करके चीनी घुलने तक इसे हम पका लेंगे। चाशनी हमारी जमे नहीं, इसीलिए हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप लेमन जूस डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और चाशनी थोड़ा चेक कर लेंगे। यहाँ चाशनी चिपचिपी हो गई है, गैस को बंद कर लेंगे। यहाँ हम 200 ग्राम सॉफ्ट मावा लेंगे, जिसे धाप भी कहते हैं। ये आपको किसी भी डेयरी मिल्क दुकान में आराम से मिल जाएगी। और इसे हाथ की हथेलियों से इस तरह अच्छे से घिस लेंगे। यह मावा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें 50 ग्राम पनीर लेंगे। इसे भी हाथ से इस तरह तोड़ के, इसे भी हाथ की हथेलियों से पूरा सॉफ्ट करना है। पनीर भी हमारा सॉफ्ट हो गया। अब इन दोनों को हम एक बार मिला लेंगे। इसमें 1 टीस्पून सूजी डालेंगे, आधी छोटी चम्मच से कम इलायची पाउडर, आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, तीन बड़े चम्मच मैदा और यहाँ बेकिंग पाउडर के ऊपर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे ये जल्दी एक्टिवेट हो जाए। इन सबको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ सबको हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसे फिर से एक बार हाथ की हथेलियों से अच्छा सा गूथ लेंगे। मावा को आप जितना ज़्यादा मथेंगे, वो उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट गुलाब जामुन बनेगी। इसे इसी तरह घिसते रहना है कंटिन्यू, जब तक ये पूरा सॉफ्ट ना हो जाए और सब एक दूसरे में मिल ना जाए। इस प्रोसेस को करने में 15 से 20 मिनट लग जाता है। अब इसका हम एक बॉल बना के देख लेंगे। बॉल्स में एक भी क्रैक नहीं है। अब इसे हम फ्राई करके देख लेंगे। यहाँ ऑयल को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करने के लिए रख दिया था। इसमें एक छोटा सा डो को डाले और वो तुरंत ऊपर में आ गया है, इसका मतलब ऑयल का टेम्परेचर ठीक है। इसमें हम एक बॉल्स को डाल के चेक कर लेंगे कि इसमें क्रैक है आता है या नहीं। अगर बॉल में क्रैक आ जाने से हम मावा को फिर से एक बार अच्छे से मिलाएंगे।
बॉल में एक भी क्रैक्स नहीं है। अब हम फिर से बाकी के बॉल्स तैयार कर लेते हैं। इसे एक बार फिर से इस तरह मिला लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। से इस तरह हाथ की हथेली से पहले अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद इसका बॉल्स इस तरह बना लेंगे। इसी तरह हम सारे बॉल्स को तैयार कर लेंगे। और इसे एक कॉटन के कपड़े से ढक के रखेंगे। जब भी ऑयल में डालना होगा इस तरह हम एक एक निकालेंगे और हाथ में इस तरह मिला के उसके बाद ही डालेंगे। सारे गुलाब जामुन को हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, नहीं तो हमारी ऊपर से वो पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसे हाथ की हथेलियों से इस तरह घुमाते हुए एक एक करके ऑयल में डाल देंगे। इसी तरह हम सारे बॉल्स को डाल देंगे। और हमने जिसे पहले डाला था वो उसमें थोड़ा ज़्यादा कलर आ गया है। इसे और हम थोड़ी देर पका लेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। और हमारे गुलाब जामुन में एक भी क्रैक्स नहीं है। इसे हम डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। चाशनी भी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए ना ठंडी, वो रूम टेम्परेचर पे रहनी चाहिए। यहाँ सारे गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो चुके हैं, हम इसे निकाल लेंगे। और उसे चाशनी में डाल देंगे। इस तरह चम्मच से इसे चाशनी के अंदर डिप कर देंगे और इसे ढक के 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे। 3 घंटे बाद हमारी गुलाब जामुन अब रेडी है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी। और एक गुलाब जामुन को हम कट करके दिखाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।